भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की जो लय होती है मित्रों, उसमें ये नः, ये डबल बिंदी आती है जो पीछे नौ के पीछे न और स्व के पीछे जो बिंदी आती है, तो उसका स्वर को उसको आगे बढ़ाया जाता है, स्वाहा नः। अब भूर्भव पे आते हैं, भूर व वह लास्ट में जो आता है वो व जो आता है वो ऐसे वह, ओम भूर्भुव तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से याद रखिएगा, जब ऊपर बिंदी आती है किसी भी मंत्र या व्यंजन में या किसी भी बीज में, तो उसमें म न ण तीनों उसमें मिक्स हो जाते हैं। लेकिन आपको पूरा कोई व्यंजन पूरा नहीं बोलना है उस समय पर, कोई भी मात्रा पूरी नहीं बोलनी है, उसको थोड़ा सा कम रखना है। जैसे कि कभी सब लोग कहते हैं कि जैसे बस एक बीज ही लगा लीजिए, हौ पे बिंदी आ जाती है ऊपर, तो उसको हम कहेंगे या हंग कहेंगे, नहीं, पूर्ण अक्षर नहीं उच्चारण में होगा लास्ट में जा करके, न तो न पूरा होगा न ण पूरा होगा न ग पूरा होगा, सरस्वती पे लगा देते हैं, जैसे सरस्वती के ए पे या बिंदी लगती है तब लोग कहते हैं एंग होगा या एम होगा। तो मैं उसको बता देता हूँ बोल करके थोड़ा सा, तंत्रोक्त में और वैदिक में दोनों उच्चारण में अंतर है, और एक उग्र क्रिया में, उग्र क्रिया में एंग ग भी पूरा नहीं आएगा लेकिन ग का उसमें अर्थ आ जाएगा थोड़ा सा एंग। और जो आप उसमें वो करेंगे क्या नाम है, जो सौम्य क्रिया में करेंगे या पूजा में करेंगे, गृहस्थ पूजा में एंग ग खत्म हो जाएगा, ना या म आ जाएगा, ज़्यादातर इस जगह के म का ही उच्चारण आता है लास्ट में। बहुत से लोग गलती से न लगा देते, नहीं लगता है। हर मंत्र का एक अर्थ है, उसको पकड़ के चलेंगे तभी वो मंत्र आपको फायदा देगा, अन्यथा करना बेकार है। जब तक उस क्रिया का पूरा ज्ञान, हजारों लोग लाखों लोग नुकसान कर चुके हैं इन उच्चारण, गलत उच्चारण की वजह से। मेरे पास ऐसे 10-20 रोज मैसेज आते हैं कि हमने फलानी मंत्र किया लेकिन वो मंत्र बिगड़ गया। फिर मैं उनका मंत्र देखता हूँ, चेक करता हूँ, बताता हूँ उनको मंत्र गलत है, मंत्र में कई जगह बीच गलत हैं, कई जगह बिंदियाँ गलत लग रही हैं, कई जगह उसमें जो जगह का गैप दिया गया वो गलत है, कई जगह लंबा मंत्र खिंचा हुआ होता है, कई जगह छोटा हुआ होता है मंत्र खिंचा हुआ। आदमी तरीके से नहीं करता, अलग कर जाता है। मंत्र किसी जगह दिया गया हंसे हंसकरी हंसे, तो वहाँ पे आदमी हसम हंसकरी हसम कर दिया, तो गलत है उच्चारण। मैं आए दिन रोज लोगों के स्क्रीनशॉट देखता हूँ, वो आते हैं मेरे पास कि गुरु जी देखिए मंत्र है ये कर सकते हैं क्या हम, तो मंत्र में त्रुटि होती है वो कहीं से भी उठा करके मुझे दे देते हैं सर्च करके गूगल वगैरह पे। तो देखिए ये मित्रों सामने का विषय होता है, आप लोग सामने से समझिए, जिससे भी मंत्र कहाँ से भी मंत्र लेना उसको सामने से समझिए क्या है मंत्र। मंत्र विज्ञान बहुत बड़ा है और ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि उसको कहीं से भी ले करके आप ऐसे ही जाप कर लें, आपके जीवन का संकट आ सकता है, आपके परिवार पर संकट आ सकता है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखिए। इस जगह पे मैं ऐसे ही नहीं बैठा हुआ हूँ, बहुत प्रैक्टिकल अनुभव है इस चीज़ का मुझे। तक्षण की जगह भक्षण कर लिया था किसी ने जाप में, उसमें लिखा था तक्षण, तो किसी ने भक्षण लिख के दे दिया, वो समझ में नहीं आया, उसने भक्षण ही जाप करने लगा, तो वो उस चीज़ ने उसके पूरे परिवार को भक्षण कर लिया यानी खा लिया उस मंत्र ने, तो ये अनुभव भी मेरे पास आए हैं। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों से बच के रहिए और सही तरह से करिए। लाखों मंत्र आप नहीं कर सकते, रोज आप नई नई चीज़ें देखते हैं लेते हैं वो नहीं कर सकते, आप जीवन में 1-2-4 ही मंत्र सिद्ध कर पाएंगे सही तरह से। तो इसीलिए एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जय माँ भवानी, जय माता रानी।